सपा प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने यूपी विधानमंडल के 3 दिवसीय शीतकालीन सत्र को 2 दिन बाद ही अनिश्चितकालीन स्थगित करने पर भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। अखिलेश ने ट्वीट करके कहा कि भाजपा सरकार नहीं चाहती है कि सदन में उसकी खामियों पर चर्चा की जाए। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके कहा कि पहले तो 3 दिन का सदन बुलाया और फिर 2 दिन में ही सत्र समाप्त कर दिया। भाजपा चाहती है कि कमियां और खामियों और भ्रष्टाचार पर बात ना हो, सदन के सत्र को कम करके भाजपा किस बात का सामना करने से बच रही है।